बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की पाकिस्तान में अहमियत क्या है। एग्रीकल्चर मतलब क्या, गाँव में जो फल निकाल रहे हैं, सब्जी निकाल रहे हैं, आटा निकाल रहे हैं, रुई निकाल रहे हैं, ये क्या है? एग्रीकल्चर है। समझे आप लोगों को, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आप लोगों को एग्रीकल्चर का मतलब ही नहीं पता। एग्रीकल्चर मतलब समझ में आ गया? एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि आप जो हैं ज़मीन से फल निकाल रहे हैं, सब्जी निकाल रहे हैं, रुई निकाल रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर समझते हैं ना, एग्रीकल्चर क्या है? ज़मीन से चावल, मिसाल के तौर पे आटा, रुई और क्या नाम है आपका, फल सब्जी, ये सब है एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की पाकिस्तान में अहमियत क्या है, इसका कोड है, याद कोड से याद करेंगे, वैसे याद नहीं होगा। इसका कोड है पीएम लॉन्ग फिल्म, पीएम लॉन्ग फिल्म, ये आपको याद करना है, पीएम लॉन्ग फिल्म, ये याद हो जाएगा तो आपको इस सवाल हेडिंग आपको याद होगी, लिख आप लेंगे माशाल्लाह। ठीक है ना, पी से क्या है, ये एरिया हमारा उन लोगों के हाथों में है जो पॉवर्टी है, यानी गरीब लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ये एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व हों, ताकि हम ज़्यादा पैमाने पे काम कर सकें, बड़े पैमाने पे काम कर सकें। लेकिन यहाँ क्या है, पॉवर्टी है, जो गरीब लोग हैं वो इस काम में कर रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग, एजुकेटेड नहीं हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीब हैं। ठीक है नहीं, तो ये हमें ज़रूरत है कि अब ज़मीनों को अपनी अच्छा करने के लिए उसमें बीज जो है वो रिसर्च किए हुए बीज, जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। वो बीज जो आम बीज ज़मीन में आप बोते हैं, वो एक दो साल के बाद दरख्त बनता है, जेनेटिकल जो है वो महीने में दरख्त बन जाता है और फल उसके ज़्यादा होते हैं। तो कौन सा बीज अच्छा है, जो जेनेटिकल है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदेमंद, तो मैं मानता हूँ जो असल बीज है, जो असली बीज है असल, वो क्या उसे कहते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये स्लो भी तो है, और जो जेनेटिकल है ये लेबॉर्टरी में बनाए, ये बीज कहाँ बनाए, ऑर्गेनिक अल्लाह ने बनाया, ये बीज किसने बनाया है, हमने लेबॉर्टरी बनाया, ये फास्ट है। अब आबादी ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत है कि हम जेनेटिकल बीज बोएं, को डाल के उससे फल निकालें, उस जो जल्दी निकलेगा, इससे क्या होगा, हम ज़्यादा कमाएंगे। तो पाकिस्तान में ऑर्गेनिक पे ज़्यादा काम हो रहा है और जेनेटिकल कम है। मैं एक और चीज़ बता दूं, मैं इसके फेवर में हूं कि ऑर्गेनिक से बीमारियां कम हैं। ये चूंकि इंसान ने बीज बनाया है तो इसमें मुमकिन है जो प्रोडक्ट निकले वो इतनी फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है तो हम भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। नंबर वन, समझ में आ गया, ये स्लो है हमारा ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक पे चल रहे हैं। हम ऑर्गेनिक माने अल्लाह का बनाया हुआ बीज। आपने बीज देखे ना, ऑरेंज खाया हुआ उसमें बीज निकलता है, सेब खाते थे गुठली निकलती है, वो बीज है। अब जेनेटिकल जो है वो फास्ट है, ज़मीन में डालो जल्दी से निकल आएगा। अब एक आम का दरख्त आपने लगाया, वो तीन साल के बाद आपको आम दे रहा है, तो तीन साल तक तो आप बैठे हुए ना, जेनेटिकल क्या होगा, फौरन देगा। तो इसमें हमें ज़रूरत है कि पॉवर्टी का एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, पॉवर्टी गुर्बत है, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास जो ये लोग काम कर रहे हैं, और ओल्ड मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ओल्ड मेथड्स क्या है, ऑर्गेनिक में हम लोग जेनेटिकल पे नहीं है। पॉवर्टी जो है वो इसलिए ज़्यादा है कि हम इसमें, ये स्लो भी है और इसमें जो क्वांटिटी है, तादाद, वो बहुत कम पैदा होती है। सही, एक एक ऑर्गेनिक दरख्त अगर 100 आम पैदा करेगा तो जेनेटिकल जो है वो 1000 आम पैदा करेगा। यस नो, तो ये है हमारी पी से समझ में आ गया, जो प्रॉब्लम्स हमारी पॉवर्टी की हैं उसकी वजह से हम बहुत सी जगहों पे ट्रैक्टर, अच्छे ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर रहे, पुराने ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, या गाय भैंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हल चलाने के लिए। अब ज़माने तो ख़त्म हो गए ना, अब आप सही है नहीं, हम हमारे पास ऐसे मेडिसिन नहीं हैं जो हम अपने जो
अपनी जो फसलें हैं उनको बचा सकें। कुछ दिन पहले लोकस्ट आ गया था, आपको पता है टिड्डी आ जाते हैं, वो उन्होंने लोकस्ट ने हमारी फसल तबाह कर दी। हमारे पास कुछ उसके लिए रोकथाम के लिए मेडिसिन थी लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी, उससे हमारी पॉवर्टी क्या नाम है जो हमारा फार्म है, हमारा ज़मीन है, खेत है, वो ख़राब हुए। यस नो, तो ये पी पे हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया। ठीक है, अब आते हैं मेजॉरिटी पर। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है यही काम कर रही है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं और इंडस्ट्री में काम करने के लिए तालीम चाहिए, और इंडस्ट्री जो है वो कराची में है, फैसलाबाद में है। ठीक है ना, कराची में, फैसलाबाद में और लाहौर में है, ऐसे शहरों में। गांव पाकिस्तान में ज़्यादा हैं या शहर? आप कहेंगे गांव, तो गांव में तो एग्रीकल्चर है, इसलिए हमारी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। वाबस्ता का मतलब आपको नहीं मालूम, अटैच हैं, जुड़े हुए। ठीक, पाकिस्तान में अगर 100 आदमी निकालेंगे आप, तो 100 में से आपको ज़्यादा आदमी जो होंगे 40-50 आदमी, 60 आदमी जो होंगे वो किस प्रोफेशन से होंगे? तालीमी प्रोफेशन से नहीं होंगे, शहर के प्रोफेशन से नहीं होंगे, बल्कि देहात के प्रोफेशन से होंगे। और देहात में ज़मीनें होती हैं, और ज़मीनों में क्या होता है, ज़मीनों में क्या होता है, वहाँ पे खेत होते हैं, और खेतों में हम पौधे, दरख्त, फल, ये सब चीज़ें पैदा करते हैं। इसमें कोई, लोग समझते हैं कि इसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन साइंस का अब इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये लोग तो साइंस जानते नहीं हैं। और जिन लोगों की ज़मीन है वडेरों की, वो तो ज़मीनों पर जाते नहीं हैं, और वडेरा भी पढ़ा लिखा नहीं है, जो फार्मर काम कर रहा है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो हमारे मुल्क में तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक है ना, पाकिस्तान एक बैकवर्ड मुल्क है। तो इसमें क्या है कि हमें इस प्रोफेशन में अपने जो किसान हैं, फार्मर हैं, उन्हें तालीम देनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत टेक्निकल तालीम, और ताकि प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की वो ज़्यादा हो। हम ज़्यादा सब्ज़ी पैदा करेंगे तो क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा सब्ज़ी सस्ती मिलेगी, कम सब्ज़ी है, लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए सब्ज़ी महंगी है, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे सब्ज़ी को, डॉलर आएगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने से डॉलर आएगा, ठीक है नहीं। हमारी मेजर, हमारी जो पॉपुलेशन है कौन से प्रोफेशन में है, एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन। पीएम हो गया, पॉवर्टी समझ में आ गया, मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी समझ में आ गया पाकिस्तान की। एल से क्या है, लार्जेस्ट सेक्टर, ये पाकिस्तान का बड़ा सेक्टर है, मतलब क्या, पाकिस्तान की ज़्यादा जो कमाई है वो इस जगह से होती है। पाकिस्तान बदकिस्मती से इंडस्ट्री से इतना नहीं कमा रहा जो दुनिया कमा रही है, हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं नहीं, हमारे पास मशीनें नहीं हैं, ठीक है, अब हमारे पास मशीनों के पैसे नहीं हैं ख़रीदने के लिए, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, डॉलर चाहिए मशीनें ख़रीदने के लिए, पाकिस्तान के पास वो डॉलर नहीं है। और जो वडेरे हैं, चौधरी हैं, वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है मशीनों की, क्या ज़रूरत है ख़र्चा करने की, जैसा हमारे बाप दादा काम कर रहे थे करते रहो, वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, सही है ना। तो ये एक बड़ा मसला है कि ये हमारा लार्जेस्ट सेक्टर होने के बावजूद भी हम इस पर नज़र नहीं दे रहे, हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट सेक्टर है पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बड़ी है तो ये इसमें समझे इतना जो है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी क्वालिटी जो हम गुड्स बनाते हैं, रेडियो, टीवी या क्या नाम है मशीनें, वो ऐसी थर्ड क्लास होती हैं कि हम खुद ही नहीं ख़रीदते कि हमारी क्वालिटी ख़राब है। तो हमारी, इसलिए हमारा फोकस किस पे है, एग्रीकल्चर पे है, ठीक है, बात समझ आ रही। ओके, ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट इससे कमा रही है क्योंकि इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसके ऊपर, उससे गवर्नमेंट को एक अच्छी इनकम मिलती है, ठीक है। मैंने कुछ भी चीज़ें बनाई, उस पर बेचा, उसको आगे बेचा, उसको आगे बेचा, तो इस पर जो सेल टैक्स होगा, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स हो गया या कमोडिटी टैक्स हो गया, वो उस पर गवर्नमेंट को मुनाफा है, ठीक है, गवर्नमेंट को मुनाफा होता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स ज़्यादा कमाएगी। देखिए, चूँकि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स हमारे यहाँ ऐसा है नहीं, तो हम गवर्नमेंट जो है कौन सा टैक्स दे रही होती है, इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो उस वो किस पे होता है, इन पे होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कमा रही है इनडायरेक्ट टैक्स, समझ में आ गया। इनकम टैक्स क्यों नहीं कमा रही, हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा, इसलिए कि हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है। अगर हम पेन पैदा करेंगे, हम
बॉल पेन पैदा करेंगे, हम टीवी पैदा करेंगे, हम पंखा पैदा करेंगे, हम एसी पैदा करेंगे, हम मिसाल के तौर पे कंप्यूटर पैदा करेंगे, तो गवर्नमेंट ये कराएगी इंडस्ट्रियल। ये क्या कराएगी? इंडस्ट्रियल। हम सेब पैदा कर रहे हैं, आम पैदा कर रहे हैं, खजूर पैदा कर रहे हैं, तो क्या नाम है, चावल पैदा कर रहे हैं, तो हम क्या नाम है, सब्जी पैदा कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट जो कमाती है उस पर इनकम टैक्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा जीडीपी में हमारी कंट्रीब्यूशन इसका 20% से ज़्यादा है, यानी हमारी इकोनॉमी में जो कुछ हम पैदा करते हैं, हम लोग पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग, वो ज़्यादा क्या चीज़ पैदा करते हैं, इंडस्ट्री की प्रोडक्ट ज़्यादा पैदा करते हैं या एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की, उसकी परसेंटेज क्या है, 20%। आप ये 20% सही, तो 20% बहुत कम है। देखिए 20% इसलिए है कि आपकी 20% सिर्फ से ज़्यादा तकरीबन 25% तक ये है, बाकी 75% में क्या आता है, आपकी इंडस्ट्रियल है, सर्विस है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो देखा जाए तो ये इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, सर्विस की परसेंटेज भी है, आपकी क्या नाम है, इंडस्ट्री की परसेंटेज भी है, वो भी मिला लें तो वो सब मिला के 75 हैं, और ये सिर्फ अकेला एक एग्रीकल्चर जो है वो कितना है, 25, और पाकिस्तान के इसके अलावा जितना सर्विस सेक्टर है बहुत बड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बड़ा है, वो सब मिला लें कितना बनता है, 75%। ये वो मिला के 75% बनता है, ये अकेला 25% है, तो इसका मतलब ये इसका पोर्शन ज़्यादा है या नहीं। मैं आसान उर्दू बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोलना नहीं चाह रहा हूँ आपसे, इंग्लिश आपकी कमज़ोर है, समझ में। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब चूंकि पाकिस्तान सब्जी चावल, आपको पता है चावल एक्सपोर्ट करता है बाहर, तो डॉलर आता है, डॉलर कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, तो पाकिस्तान का जी इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, यस नो? पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया का बेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है, इसी तरह पाकिस्तान जो बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करता है जो एग्रीकल्चर की हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर डॉलर आता है, यस नो? पाकिस्तान के 2 साल पिछले ख़राब ऐसे हो गए कि वहाँ पे पता सैलाब आ गया था, तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज थोड़े से ख़राब हो गए थे, क्यों, डॉलर नहीं आए। हम जब चावल भेजेंगे बाहर तो बाहर से क्या चीज़ आएगी, हवा आएगी या डॉलर आएगा, डॉलर आएगा, और डॉलर क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर को कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये जो हम रॉ मटेरियल बनाते हैं, ये एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल है, हमने कहा क्या मतलब, हमने सेब बनाए, अब इंडस्ट्री वाले हमसे सेब खरीदते हैं और सेब से जूस बनाते हैं, और डब्बों में आपके सामने सन टॉप है, क्या नाम है, नेस्ले है, ये सारे जो हैं क्या से बनते हैं, ये सब जो हैं वो सेब से और क्या नाम है, अंगूर से और इन चीज़ों से बनते हैं। इस तरह दूध आप देखें, कैटल तो गाय के दूध से बनता है, ये भी एग्रीकल्चर साइड में चला जाएगा ना, तो ये दूध के डब्बे आपको मिलते हैं। इसी तरह आप अचार खाते हैं बाज़ार से, आम का अचार, नींबू का अचार, तो आम और नींबू क्या है, वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं आपको नहीं मालूम, रॉ मटेरियल कहते हैं इंडस्ट्री जिस चीज़ के ऊपर काम करे और फिर नई चीज़ बना दे। मिसाल के आम पर काम किया और आम से अचार बना दिया, आम पर काम किया आम से आम का जूस बना दिया, तो समझ में आ गया रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल का मतलब नहीं पता था, पता लग गया, तो रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री उसको क्या करेगी, शक्ल बदल के नई चीज़ बना देगी। आम का क्या बनाया, जूस बना दिया। आम का क्या बनाया, अचार बना दिया। समी नींबू का क्या किया, उन्होंने जूस बना दिया, नींबू का उन्होंने अचार बना दिया। इसी तरह क्या नाम है, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया, उन्होंने उसकी नई चीज़ बना दी, ठीक है। बस में दूध का उन्होंने दूध के डब्बे बना दिए, नीडो आ गया आपके सामने, नीडो गो के दूध नहीं है, बाहर नीडो है, एवरीडे कहाँ से आया, गाय के दूध से ही बना, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग की आपने, ठीक है, नमक है जैसे आपका, समझ में आ रहा है, यानी क्लियर। यानी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल का मतलब याद हो, पता लग गया, बहुत बड़ी बात है आज। अब क्या एल, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ लेबर फोर्स, मतलब क्या, ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारी आबादी का लोगों को नौकरी देता है। अगर एग्रीकल्चर ना होता तो पाकिस्तान के 25 करोड़ नशा कर रहे होते हैं, क्योंकि पास काम नहीं था। हमारी एग्रीकल्चर में चूंकि ज़मीनें बड़ी बड़ी हैं, तो हमारी बहुत बड़ी आबादी इंडस्ट्री में काम नहीं करती, कहाँ काम करती है, एग्रीकल्चर में। तो इसलिए ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो है
उसकी वजह से हमें नौकरी मिली है, नौकरी मिल गई है हमारे लोगों को, हमारी आवाम को। आखिरी क्या है, मेजर फूड सोर्स ऑफ पाकिस्तान, हम जो कुछ खाते हैं रोज़ाना, क्या खाते हो आप कहेंगे रोज़ाना हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, यही खाना खाते हो, सुबह भी यही खाते हो, रात भी यही खाते हो, यस नो? तो इसका मतलब एग्रीकल्चर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी पूरी आबादी 25 करोड़ 24 करोड़ जो आबादी है उसको खाना एग्रीकल्चर से आता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया या नहीं? आप कहेंगे मैं तो सर मिसाल के तौर पे जूस पी लेता हूँ, तो जूस पी के कोई ज़िंदा नहीं रहता, ठीक है ना? तो आपको खाना खाना होता है और फल खाने होते हैं, तो वो फल और सब्जी जो है वो एग्रीकल्चर ही को कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं भूल गया था बताना आपको, नर्चर बीओपी, बीओपी माने बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप लोग सीएसएस कर रहे हैं माशाल्लाह, 3 महीने बाद आपका इम्तिहान है, आपको बीओपी पता नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह यही कहूँगा मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है, अब आसान में बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ा रहा, समझा रहा हूँ एक छोटा सा उसका टुकड़ा, कि मिसाल के तौर पर आप चूँकि आपको हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है डॉलर पैदा करता है, कैसे पैदा करता है एग्रीकल्चर, हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम सब्जी एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट फ्रूट, उसके बदले में क्या मिलता है डॉलर। जब डॉलर हमारे मुल्क में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कर्जे हैं पाकिस्तान के उनको अदा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की वजह से हम अपने कर्जों को जो हमने ले रखे हैं उनको अदा करते हैं, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कर्जों को समझे अदा करना। अभी तो मैं यही बताऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा लेक्चर होता है, मैं उसको अभी देना नहीं चाह रहा, ठीक है? इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे होगा, जब लेक्चर नंबर 2 होगा उसको सुनिएगा, ठीक? ओके, थैंक यू।